हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज़ पूछिए। जो भी आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं हेल्थ के रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ पूछिए। अगर आपको हाइट के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या फिर बालों के लिए चाहिए, या फिर आपको कुछ क्लिनिक, या फिर हमारे जो अगर आपको किसी हमारे क्लिनिक के लिए कुछ पूछना चाहते हैं कि क्लिनिक कब शुरू हुआ, क्या मेडिसिन हैं, कौन सी, इसका कितना फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, नंबर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, गारंटी का मैं आपको फिर से बार बार, आप हमारा पूरा पेज चेक करिए, आपको गारंटी का कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा। ठीक है, मेडिसिन बिल्कुल आपको अच्छी दी जाती है, अच्छी क्वालिटी की दी जाती है। जो चीज़ें उसमें बोली गई हैं वो सब उसमें डाला जाता है। मैंने आपको नंबर लिख के दे दिया है। हाँ, डिलीवरी हो जाएगा हेमंत। बाकी जो आप रिजल्ट्स हैं आप एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देता हूँ नंबर। बाकी देखिए, आप मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बट उसके बाद आपको असली जर्नी आपकी उसके बाद शुरू होती है। जो आपका ट्रीटमेंट है 3 से 4 महीने या 5 महीने आपका जो ट्रीटमेंट चलेगा हाइट का, तो उसमें आपको अच्छे से एक्सरसाइज, डाइट, नींद, डाइजेशन आपका अच्छा रहना चाहिए, पेट साफ अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर ये सारा कुछ आप फॉलो करते हैं और साथ में मेडिसिन भी लेते हैं, तो देखिए रिज़ल्ट आना अच्छा रहता है, मतलब रिज़ल्ट की प्रोबेबिलिटी आने की बढ़ जाती है। जो प्राइस, देखिए प्राइस रहता है 3 मंथ्स का जो मेडिसिन मिलता है आपको 1900 का पड़ेगा, 1900 मतलब 1900 का पड़ेगा आपको। 3 मंथ्स की उसमें पूरी मेडिसिन आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गोलू आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, आप अपनी एज और अपनी हाइट बताइए, और अपने फादर की भी हाइट बताइए कि आपके फादर की हाइट कितनी है और आपके मदर की हाइट कितनी है। बिकॉज जेनेटिकली भी चीज़ें डिपेंड करती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते आपके जीन्स को, बट हाँ उन पे हम थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के आपकी थोड़ी बहुत ही हाइट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई बालों के रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है, हेयर फॉल के लिए अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, या फिर वेट लॉस या वेट गेन के लिए है, तो आप प्लीज़ पूछिए। ठीक है, नहीं तो अभी आज हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप किसी और की कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पूछिए वो चीज़ भी। आपकी हाइट 5.5 है, आपकी एज कितनी है हेमंत? बाकी जो मेडिसन हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम मेडिसन ये यूज़ करते आ रहे हैं। लाइक आप जो क्लिनिक था वो मेरे ग्रैंडफादर ने फाउंड किया था 1950 में, तो तभी से बालों की मेडिसन, हेयर के लिए ऑयल और साथ में हाइट की मेडिसन तभी से हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1950 से। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं। ग्रे हेयर्स के लिए भी मेडिसन मिल जाएगी आपको, साथ में हेयर ऑयल भी मिल जाएगा। ग्रे हेयर्स का देखिए आयुर्वेद में कारण होता है पित्त दोष और कफ दोष रहता है, जिसके कारण आपके बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से ही आपका इलाज रहेगा। कम से कम 3 से 4 महीने आप लेके चलिए इसके लिए आराम से। दीपू, आपकी जो हाइट है 5.5 हो जाएगी 16 की एज में। बहुत अच्छे चांसेस हैं, 16 की एज छोटी एज है तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं आपके। मलिक, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज़ आप पूछिए। तो मैं आपको बता रहा, जो क्लिनिक हमारा 1950 से ही चल रहा है यहाँ पे अमृतसर पंजाब में, तो उस टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती थी उस टाइम पे इंस्टाग्राम की जगह पे न्यूज़पेपर में होती थी। सौरभ, जो हमारे ग्रे हेयर्स हो रहे हैं वो आपके वात दोष, कफ दोष और पित्त दोष की वजह से आपके ग्रे हेयर स्टार्ट होते हैं आयुर्वेद में। जब आपकी बॉडी के अंदर दोषों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उस कारण आपके बाल अर्ली स्टेजेस में वाइट होने शुरू हो जाते हैं। इसके और भी बहुत सारे कारण रहते हैं दोष के। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खान पान कैसा है, कैसा आपका आहार विहार पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किन चीज़ों को आप सेवन करते हैं, किन चीज़ों का सेवन आप नहीं करते हैं। पथरी का इलाज भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको क्लिनिक पे आना पड़ेगा। एक बार आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन रहेगा, उसके बाद हम ही पथरी का इलाज शुरू कर सकते हैं। सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस में पथरी का इलाज करना मुश्किल है। नहीं देखिए क्या खाना पड़ेगा हाइट बढ़ाने के लिए। देखिए आपको मेडिसिन भी खानी रहेगी, एक्सरसाइज भी करना रहेगा, डाइट भी अच्छी लेनी होगी, नींद भी अच्छा लेना होगा, प्रॉपर आपको रेस्ट भी करना रहेगा। आपकी खुद की, हाँ बिल्कुल हो सकती है आपकी हाइट। अगर मदर की हाइट छोटी है, आपकी हाइट अभी 5.2 है, तो 5.6 18 ईयर्स की टारगेट आप लेके चल सकते हैं, बट पहले आप 1-2 इंच का टारगेट लेके चाहिए। ठीक है, समझ गया मैं। गॉल ब्लैडर का आपका है तो उसके लिए प्लीज़ आप किसी क्लिनिक, आप तो आप अमृतसर क्लिनिक पे दिखाने आइए। प्रॉपर एग्जामिनेशन ज़रूरी है उसकी। यूएसजी आपकी जो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है वो भी आप लेके आइए साथ में। या तो अल्ट्रासाउंड का अपना रिपोर्ट भेजिए इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भेजिए आप एक बारी। उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन रहेगी आपकी, प्रॉपर ओवरऑल हिस्ट्री हमें लेना होगा सारा कि प्रॉब्लम आपकी कब शुरू हुई, कितना टाइम हो गया, आपकी एज कितनी है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें। तो उसके बाद ही आपको मैं कुछ सजेस्ट कर पाऊंगा इस चीज़ के लिए। हाइट के लिए सभी का एक ही क्वेश्चन है। हाइट के लिए देखिए मैं आपको सभी को बता देता हूँ जो फैक्टर्स। हाँ मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। देखिए हाइट आपकी इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हिमांत आपकी हाइट हो सकती है बिल्कुल, बट जैसे कि अगर आपकी आहार विहार आपको अपना अच्छा रखना रहेगा तब ही चांस है आपका। तो इन सारे फैक्टर्स पे हमें काम करना रहेगा। ये जो 2 फैक्टर्स हैं इनको हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाइट, डाइजेशन, पोस्चर, एक्सरसाइज, नींद और आपका रेस्ट और स्ट्रेस कम लीजिए। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर आपकी हाइट डिपेंड करती है। अगर आप इन सारे फैक्टर्स के ऊपर अच्छा फोकस रखते हैं तो आपका हाइट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है। जितनी आपकी नहीं, अगर देखिए 3 मंथ्स में आपकी अगर हाइट नहीं बढ़ती तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करें। देखिए एफर्ट मारना तो आपका एक कर्तव्य रहेगा, इस पर अगर आप एफर्ट मारना छोड़ देंगे, देखिए मेडिसिन चाहे आप कंटिन्यू करें ना करें बट बाकी सारी चीज़ें अपनी कंटिन्यू रखें। अगर आप 3 महीने की मेडिसिन लेते हैं तो 3 महीने में उसका कोई असर ख़त्म नहीं हो जाता। आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे भी, बिकॉज मेडिसिन काफ़ी देर तक असर दिखाती है बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आप उसके बाद सिर्फ योगा भी कंटिन्यू रखते हैं, जो हम आपको बताते हैं बुक में आपको जो योगा आएगी, अगर आप उस योगा को भी सिर्फ कंटिन्यू रखते हैं, जैसे कि जो बुक आएगी आपको साथ में, तो इसमें जो जो योगा दिया गया है अगर आप वो सारा कुछ फॉलो करते रहते हैं, जब आपका 3 मंथ्स का कोर्स ख़त्म हो भी जाता है तो कई पेशेंट्स को सिर्फ योगा फॉलो करने से भी हाइट बढ़ जाता है कईयों का। सभी के लिए एक जैसा नहीं रहता। कितनी एज तक हाइट बढ़ेगी? देखिए जो हम ट्रीटमेंट हाइट का 30 ईयर्स तक करते हैं, बट देखिए सिंपल सी बात है, जितना आपका एज ज़्यादा होता जाएगा उतना ही रिजल्ट कम भी होता जाएगा और रिजल्ट आने में टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका एज एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि आपकी जितनी ज़्यादा एज होएगी उतना कम चांस रहेगा आपका हाइट बढ़ाने का। इट्स वेरी सिंपल। इतना तो आप सभी को, सारे समझदार लोग हैं आप, तो आप सभी को ये बात समझ आती होगी कि जितना ज़्यादा आपका एज होएगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हाइट बढ़ाना। इसके अलावा किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछिए। अगर आप हेयर फॉल की, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर वाइट हेयर्स की है, तो वो सोल्यूशन भी किया जा सकता है। बिल्कुल आप मंगवा सकते हैं दवा। 18 ईयर्स की एज में अच्छा रिजल्ट रहता है। आप अच्छे से फॉलो करेंगे 3 से 4 महीने, तो होपफुली 18 की उम्र में आप उम्मीद लगा के चलिए, अच्छे से एफर्ट करेंगे तो आपको 3 मंथ्स में ही रिजल्ट मिल जाएगा 18 ईयर्स की एज में। 3 to 6 मंथ्स का हम उनके लिए बोलते हैं जिनका एज ज़्यादा रहता है। बाकी 17-18 की उम्र में, 16 की उम्र में तो 1-2 महीनों में भी रिजल्ट मिल जाता है। अभी हमारे पास एक पेशेंट है उनकी एज 22 साल है, तो 22 साल की उम्र में उन्होंने 2 महीने 10-15 दिन में उनका 1 इंच हाइट इंक्रीज़ हुआ है। उसकी उम्र 22 साल है, तो अभी उनका कोशिश है कि उनका रिव्यू वीडियो उनको बोला है उनको बना के देने के लिए। होपफुली अगर वो बना के देते तो आपके साथ शेयर भी हो जाएगी। तो 22 साल की उम्र में भी रिजल्ट रहता है 1 इंच का 3 महीने में। हाँ, हमारी ब्रांच अमृतसर में ही है, ये एड्रेस है ब्रांच का। जो हमारी ब्रांच है सिर्फ अमृतसर में ही है, ठीक है। यहीं से आपको सारी मेडिसिन आपको कोरियर भी की जाती हैं, और आपकी सारी मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन है हाइट बढ़ाने की? देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 मेडिसिन हैं, बीटोल और आयरग्रो। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। रुपेंद्र गुर्जर, पक्का हाइट बढ़ेगी? पहले आप अपनी उम्र और अपनी हाइट बताइए, पक्के का जवाब मैं उसके बाद दूंगा, ठीक है। देखिए, हाइट बढ़ती है, बट आप बोले कि अगर सभी की हाइट बढ़ जाए, अगर इतना आसान होता तो सभी लंबे होते, कोई छोटा रहता ही ना। बिकॉज देखिए, हाइट में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, सिर्फ 1-2 फैक्टर्स की बात नहीं रहती। अगर आपके देखिए बाल झड़ रहे हैं तो आप ये चीज़ें यूज़ करिए, ठीक है। पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिएगा फ़ोन पे कि आपकी प्रॉब्लम कितने टाइम से चल रही है, कितनी पुरानी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद पहले आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से जानना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आपका इलाज शुरू करेंगे कि आपको क्या मेडिसिन चाहिए, क्या मेडिसिन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ऑयल्स की ज़रूरत है। देखिए, क्लिनिक पे अगर आप आते हैं तो उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ने पे तो आपके एफर्ट का ही है। अगर कोई बंदा क्लिनिक पे आके मेडिसिन लेके जाता है तो ऑब्वियसली उसका एक इफेक्ट उनके माइंड पर, साइकोलॉजी पे ज़्यादा पड़ता है कि ऑब्वियसली वो बंदा ज़्यादा सीरियस रहता है। देखिए, अगर आप लोग आधे अधूरे मन से फॉलो करेंगे कोर्स तो आपको अधूरा रिजल्ट ही मिलेगा, राइट। तो मन अपना आपका पक्का होना चाहिए कि आपको हाइट बढ़ानी ही बढ़ानी है, ठीक है ना। हाइट बढ़ाने की मेडिसिन आपको मिल जाएगी, उसमें देखिए ठीक है, 17 की एज में आपकी बिल्कुल आपकी हाइट बढ़ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सही टाइम है, अगर आप छोटी उम्र में स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली द रिजल्ट्स आर बेटर। अभी एक आशिक ने आपने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी इंचेस आई विल ग्रो इफ यू यूज अ मेडिसिन। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, दिस इज़ नॉट, ऐसा नहीं रहता कि अगर आप 1 डब्बा यूज़ करेंगे, 2 डब्बे यूज़ करेंगे तो आपका 1 इंच हाइट इंक्रीज हो जाएगा या फिर 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज होगा। सभी का अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, हर एक का हाइट सेम बढ़ता नहीं है। हर एक बंदे का हाइट अपने फैक्टर्स की, अपनी जीन्स, अपने हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ता है। अगर आप बोलें कि सभी का हाइट एक जैसा बढ़ता है तो वो चीज़ नहीं है। बट फिर भी जो आपकी एज है 19 ईयर्स, इसमें देखिए 2 से 3 इंचेस हो सकता है गेन, हो सकता है कि आपका 1 इंच हो, 2 इंच हो, 3 इंच भी जा सकता है। बट 3 इंच तक पहुंचने के लिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है ना। आपको रोज एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी अच्छे से, बिकॉज योगा देखिए इज़ अ बोरिंग एक्सरसाइज। अगर आप जितना, मुझे खुद को पर्सनली भी लगता है योगा इज़ अ बोरिंग एक्सरसाइज, बट हाइट बढ़ाने के लिए योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। 1 मंथ की जो मेडिसिन आपको है हाइट की, वो आपको 800 की पड़ेगी, 800 रुपये की पड़ेगी। संजय, कितने महीने में हाइट बढ़ती है? देखिए, सभी का अपना अपना रहता है। अगर आपकी उम्र 17 साल है, 18 साल है, तो हो सकता है आपकी 1 महीने में 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाए। आपकी उम्र अब 24 साल है, तो हो सकता है कि 3 महीने से आपको ज़्यादा भी लग जाए हाइट बढ़ाने में, कुछ भी फर्क आने में। आपकी उम्र 27 साल है तो आपको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। 22 साल में हो सकता है आपको दूसरे तीसरे महीने में आ जाए। 23वीं उम्र, डिपेंड करता है, जितनी आपकी छोटी उम्र रहेगी देखिए उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर आपकी हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही। योगा आसन में आप देखिए सूर्य नमस्कार करिए, धनुष आसन करिए, योगा में बहुत सारे आसन है, कोई भी आसन आप स्ट्रेचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपका मेन एफर्ट रहना चाहिए कॉन्टिन्यूटी का, कम से कम 1-2 साल मेहनत करिए अपने हाइट पे, तभी कुछ आपको पता लग पाएगा। अगर आप सोचें कि एक दिन मैंने, जतिन आपके इस क्वेश्चन का मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं, बार बार सेम क्वेश्चन पूछने का कोई ताल्लुक नहीं है। आप आएंगे तो आपका प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होएगा, आपका पूरा एक फॉर्म बनाएगा, उसमें आपकी प्रॉपर रूटीन एवरीथिंग सारा कुछ डिटेल में बात की जाएगी। अब उसमें कोई बीमारी तो है नहीं आपको, कुछ उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन रहेगा। आपकी जो हाइट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपका पेट, आपकी अग्नि, ठीक है, आपके धातु, इन सारी चीज़ों का चेकअप किया जाएगा, ठीक है ना। आपकी हिस्ट्री की, आपका खान पान कैसा है, कि आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, कितना आपका एंड्योरेंस है। Ashik, no problem, Ashik. There is no problem. You can get the book in English. You just message me on this number. Message me on this number, Ashik. I will send you the PDF in English. You can follow the exercises in English as well, okay? So, आप लोग इंग्लिश, यू कैन गेट द बुक इन इंग्लिश एज वेल। आयुर्ग्रो नाम है दवा का और बीटोल नाम है दवा का, ठीक है, ये दो दवाओं के नाम हैं। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए या फिर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेडिसिन आपको मिल जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है, आपको मेडिसिन मिल जाएगा आपको। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ओके ठीक है। तो एक्चुअली ना मैं तनु 15 मिनट से कॉल कर सकते हो तुम मैनू? हाँ प्लीज़ 15 मिनट कर लो, थैंक यू। अभी किसी का, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू डू योगा आसन? द बेस्ट टाइम टू डू योगा आसन इज इन द मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग और इवनिंग इज द बेस्ट टाइम। बट मेरे हिसाब से आपको सुबह करना चाहिए, सुबह इज द बेस्ट टाइम। बट अगर सुबह आपको आलस रहता है, लाइक इफ यू फील लेजी इन द मॉर्निंग, देन द बेस्ट टाइम इज इन द इवनिंग। ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन भी रहेगा कि देखिए आपको एक्सरसाइज अच्छे से करना है। अगर आप सुबह उठ के भी आलस आलस में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका कोई फन नहीं है। एटलीस्ट वेन एवर यू आर डूइंग द एक्सरसाइज, एटलीस्ट यू शुड बी एक्टिव, तभी उसको करने का फायदा है। देखिए जतिन, आप प्लीज मुझे कॉल करिए, आपके क्वेश्चंस है आपको मैं पर्सनली हैंडल कर लूंगा। आप प्लीज मुझे एक बारी इस नंबर पे आप गिव मी अ कॉल, ठीक है। हम किसी को भी मेडिसिन भेजने से पहले उसका प्रॉपर एक बारी फोन पे भी बात, जितनी भी चीज़ें होती हैं पूछने वाली, अच्छे से पूछ के ही मेडिसिन भेजी जाती है, राइट। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप प्लीज़ पहले एक बार इन डिटेल बात करिए, आपकी अपनी जो भी आपका एज है, हाइट है, आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स हुआ है या फिर अभी आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, XYZ, आपकी जो भी हिस्ट्री है पूरी अच्छे से ली जाएगी। उसके बाद आप मेडिसिन स्टार्ट करिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो डोज रहती है 3 टेबलेट्स अ डे रहती है, सो आप दिन की 3 टेबलेट्स आप लेंगे, ठीक है। जो ट्रीटमेंट का प्राइस है, देखिए 3 महीने की दवा आपको 1900 की पड़ेगी, जिसमें आपका सारा खर्चा 3 महीने का पूरा हो जाएगा। हाइट कितनी बढ़ती है? देखिए आपकी उम्र पे भी डिपेंड करता है। आपकी उम्र ज़्यादा रहेगी तो आपका हाइट कम बढ़ेगा, आपकी उम्र कम रहेगी तो आपका हाइट ज़्यादा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछिए। मैंने आपको बता तो दिया है डेविल, मैंने आपको बता दिया जितनी कम उम्र आपकी रहेगी उतना ज़्यादा आपका हाइट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उम्र आपका रहेगा उतनी आपकी कम हाइट बढ़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है आप प्लीज पूछिए। अगर किसी को इन डिटेल बात करनी है तो प्लीज आप कॉल कर लीजिएगा। 3 से 4 इंच बढ़ सकती है आपकी हाइट। डेवल ओके, लाइक 3 से 4 इंचेस आप गेन कर सकते हैं 17 की एज में। दवा का नाम आपको बीटॉल और आयरग्रो मैंने बताया है। Sam, it is a possibility that ashwagandha can help you for height growth. It is true, it can help you for height growth. बट उसके साथ आपको और भी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। 16 साल की उम्र में बिल्कुल हो जाएगा। दीपू, आप अच्छे से अपने पेरेंट्स की मेरे से एक बारी बात करवाइए। अगर आप पंजाब से हैं तो अपने पेरेंट्स को क्लिनिक पे लेके आइए, अगर दूर से भी हैं तो यू कैन कॉल मी। आपके पेरेंट्स जो हैं एक बारी मेरे से बात कर लें, उनका कोई भी जो क्वेश्चन रहेगा उसके बाद हम डिस्कस करके आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आप आर्मी लवर, आप एक बारी मेरे से पर्सनली बात करिए, ठीक है। जो भी आपका हाइट नहीं बढ़ रही उसके कारण हो सकते हैं बहुत सारे, तो एक बारी हम इन डिटेल आपसे बात करके फिर आपको बता देंगे कि आपका जो भी है, ठीक है। दीपू, आप प्लीज़ पंजाब से हैं तो प्लीज़ आप तुसी क्लिनिक पे आओ, तो क्लिनिक पे आके अपना प्रॉपर चेकअप करवा के एक बारी अपने पेरेंट्स नाल गल कर लो। तो जे तुसी पंजाब तो क्लिनिक आ सकते हो तो पेरेंट्स नूं लै आओ, जे नहीं आ सकते तो फोन पर अपने पेरेंट्स की गल करा दो मेरे नाल। नंबर ऑलरेडी मैं तुहाडे नाल शेयर करता है, तो कोई भी गल होएगी आप डिस्कस करके या फिर जिवें भी होएगा आप स्टार्ट कर लांगे। डेविल, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं दीपू को बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो प्लीज़ आप एक बारी कॉल करिए। नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, पेज के बायो पे भी है, मैंने आपके यहाँ शेयर भी कर दिया है। आप गूगल पे भी हमारा नंबर निकाल सकते हैं, डॉक्टर मोंगा क्लिनिक अमृतसर के नाम से, ठीक है। बाकी देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हम हाइट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। लाइक जो क्लिनिक है मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से 1950 से चलता आ रहा है, तो उस टाइम से लेके अभी तक हमारे पास कम से कम भी 6 से 7 लाख पेशेंट का रिकॉर्ड है जिन्होंने हमसे मेडिसिन ली है, और उनका पूरा रिकॉर्ड भी हमारे पास पड़ा हुआ है। बिकॉज उस टाइम पर क्या रहता था, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट तो नहीं होती थी, बट न्यूज़पेपर मैगजीन्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट होती थी। तो पेशेंट्स लेटर लिख के मेडिसिन मंगवाते थे, लेटर्स लिख के अपना रिव्यू शेयर करते थे, तो वो सारी लेटर्स भी हमारे पास अभी पड़ी हुई हैं। सो आपके साथ काफ़ी सारी लेटर्स मैंने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे जितने भी हैं, उसके साथ साथ उनका एड्रेस भी वहाँ पे शेयर किया गया है। तो वो सारा रिकॉर्ड आपके सामने ही है। अगर किसी को डाउट रहता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो प्लीज़ आप एक बार क्लिनिक पर विजिट करिए, आपके सामने सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं कर पाते हैं इस बात को, तो उनके विश्वास करने के लिए ही वो सारा कुछ ऑनलाइन अपलोड किया गया है। वो सारा डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा किसी और का कोई और डाउट है तो प्लीज़ आप डेविल देखिए, किसी और की मेडिसिन का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता। दैट इज़ अप टू यू कि आप वहाँ से कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। सैम, देखिए, ग्रोथ प्लेट्स आपके 24-25 तक कम्प्लीटली फ्यूज़ हो जाने चाहिए, ठीक है। कईयों के इससे लेट भी होते हैं, कईयों के इससे जल्दी भी हो जाते हैं। बट जो ग्रोथ प्लेट्स रहती हैं, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कोई प्लेट नहीं है कि वो बंद हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी। इट्स अ पोर्शन ऑफ आवर बोन। जो एक ग्रोथ प्लेट रहती है वो हमारी एक बोन का एक हिस्सा होता है जो कि ग्रो करता है, और ये धीरे धीरे इसका एक्टिविटी, जो इसमें सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ग्रोथ प्लेट्स में, जो स्पेसिफिक एरिया में जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं डिवाइड करने के लिए, जिससे हमारी बोन लंबी होती है। तो ये लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारी ग्रोथ प्लेट होती है, शॉर्ट बोन्स के अंदर हमारी ग्रोथ प्लेट होती भी नहीं है। तो होता क्या, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका ग्रोथ हार्मोन काम धीरे धीरे करता रहता है, तो उसकी वजह से इस एरिया की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो उस कारण आपकी हाइट जो है रुकनी शुरू हो जाती है या फिर किसी की ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो 24-25 तक आप मान के चलिए सभी का ग्रोथ प्लेट ऑलमोस्ट फ्यूज हो जाता है, बट उसके बावजूद भी हम हाइट बढ़ा सकते हैं अगर, बिकॉज आयुर्वेद में देखिए बताया गया है कि 30 साल तक आपकी धातुओं की वृद्धि होती है, तो हम उस हिसाब से हाइट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल 20 साल की उम्र में आपकी हाइट बढ़ सकती है। जो हमारी मेडिसिन है आपको बीटॉल और आयरग्रो मिल जाएगी, जिसको हाइट के लिए चाहिए दोनों मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं हाइट के लिए, साथ में आपको बुक भी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको किसी को भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी आपको प्रॉपर इलाज मिल जाएगा, वेट लॉस के लिए भी मिल जाएगा। अभी जो है, अभी हम लाइव सेशन बंद करने वाले हैं बिकॉज संडे को हमारा क्लिनिक बंद रहता है। अभी मैं किसी काम से आया था तो अभी लाइव सेशन बंद करने वाले हैं। इसके अलावा किसी आपका कोई भी आपका डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप लोग कॉल कर लीजिएगा। नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में मैंशनड है। एक बार फिर से मैं आप सबको नंबर शेयर कर देता हूँ। आप कॉल या मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हैं।